जय हिंद दोस्तों। इस पर पीसीडीए ने एडवाइजरी जारी की हुई है, अगर एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद स्पर्श के थ्रू जो पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन, उसमें स्पोस या फैमिली को क्या क्या करना होगा पेंशन लागू करने के लिए, फैमिली पेंशन को लागू करने के लिए। तो ये एडवाइजरी जारी हुई है पीसीडीए की तरफ से। इसमें बता दें, स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या करना है अगर एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है, उसके बाद आपको क्या एक्शन लेना है, जो भी फैमिली है, एनओके है, स्पोस है। इसमें ये बता दूं कि कई बार ऐसे होता है कि उनको पूरी जानकारी ना होने के कारण उनके 6-6 साल से पेंशन बंद है। तो आप भी अपनी फैमिलियों को बताएं कि अगर ऐसा कभी हो जाता है तो आपको ये काम कर लेने हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आगे परेशानी ना हो। तो पहला स्टेप क्या है डेथ होने के बाद पेंशनर्स की? पहला स्टेप है कि एक्सीडेंट से डेथ हो या अननेचुरल डेथ हो, उसमें दोनों केस में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे एक रिपोर्ट लिखवा देनी है कि ऐसे ऐसे डेथ हो गई है। उसके बाद उधर से आपको एक डॉक्यूमेंट इशू हो जाएगा, जो एफआईआर होगी, जिसमें आपकी डेथ के बारे में लिखा होगा। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर आपकी हॉस्पिटल या मेडिकल ऑफिसर आपकी डेथ के लिए एक डेथ सर्टिफिकेट बनाएगा। उसको लेना बहुत जरूरी है पुलिस स्टेशन से। दूसरे स्टेप में दिया हुआ है कि एक साइन कॉपी जो आपको मिली हुई है पुलिस स्टेशन से, वो मेडिकल ऑफिसर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें, जिससे कि डेथ सर्टिफिकेट बनाने में आपको आसानी रहेगी। यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको पुलिस स्टेशन के हिसाब से आपको बन जाएगी, जो कि पुलिस स्टेशन एक साइन करके देगा। तो वो जो डेथ सर्टिफिकेट बनेगी, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी डॉक्टर या गजेटेड ऑथराइज्ड डॉक्टर से साइन किया हुआ होना चाहिए। इसकी दो कॉपी रखना है। जब तीसरे स्टेप में आप देखेंगे, तीसरे स्टेप में क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए पेंशनर्स की। तो ये अप्लाई आपको 15 दिन के अंदर अंदर कर देना है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट के बिना आपकी पेंशन चालू नहीं हो सकती है, इसलिए डेथ सर्टिफिकेट जरूरी है। और 20 से 30 फोटोकॉपी डेथ सर्टिफिकेट की करके रखें, ये जरूरी है। 20 से 30 फोटोकॉपी आपको अलग अलग जगह पर लगेगी, इसलिए वो जरूरी है रखना। स्टेप 4 में आपको बता दें कि स्टेप 4 में आपको पीडीए यानी कि पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को अप्रोच करना होगा, लिखना होगा कि हमारी पेंशन अब फैमिली पेंशन में कन्वर्ट की जाए, और डेथ सर्टिफिकेट का भी प्रूफ उनको देना होता है। तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे जब आप पीडीए में, डिसबर्सिंग एजेंसी में आपको ये भेजना होगा? सबसे पहले तो डेथ सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके बाद फैमिली पेंशन के लिए एनओके का जो ज्वाइंट अकाउंट है वो होना चाहिए, यानी कि जो आपका ज्वाइंट अकाउंट पेंशनर्स के साथ था, एक्स सर्विसमैन के साथ था, उसकी फोटोकॉपी हो। इसके बाद डेथ सर्टिफिकेट हो, ओरिजिनल पीपीओ भी साथ में भेजना होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल पीपीओ साथ में भेजना होता है। ज्वाइंट फोटोग्राफ भी होनी चाहिए, और स्पोस की भी फोटो अलग से आपको देनी है। इसके बाद बता दें, पेंशन अकाउंट वो वाला होना चाहिए जिसमें पेंशन आ रही है, यानी कि वही आपका ज्वाइंट होगा, वही आपकी पेंशन अकाउंट भी होना चाहिए। इसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जिसको मैं आगे दिखाऊंगा कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म साथ में अटैच करना होता है। तो ये सारी चीजें, 5-6 चीजें होती है, ये आपको पीडीए में भेजना होता है। पहला काम यही है। इसके बाद स्टेप 5 में आप देखेंगे, स्टेप 5 में जो ज्वाइंट अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो एक अलग से आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब लेटेस्ट जो रिटायर हो रहे हैं उनको तो ज्वाइंट अकाउंट कर देते हैं, जो पेंशन अकाउंट होता है वही ज्वाइंट होता है, लेकिन जो पुराने थे उनको सिंगल अकाउंट में ही पेंशन आ रही थी। उनको अगर ऐसी दिक्कत है तो आप वो नया अकाउंट खोलेंगे, जिनका ज्वाइंट अकाउंट नहीं है फैमिली के साथ वो नया अकाउंट खोलेंगे, जिनका ज्वाइंट अकाउंट है उनको नया अकाउंट खोलने की कोई जरूरत नहीं है, उनको वही अकाउंट नंबर भेजना पड़ेगा। इसके बाद स्टेप 6 में आपको जो ऑफिसर है उनको MP5 में अप्लाई करना है, और जो JCOR है उनको PCDA में भेजना होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट पेंशन स्टार्ट करने के लिए। तो ध्यान रखें, जो ऑफिसर है MP5 और JCOR PCDA स्पर्श में भेजना पड़ेगा। जो माइग्रेट हो गए हैं स्पर्श में भेजेंगे, जो माइग्रेट नहीं हुए हैं वो PCDA भी प्रयागराज में उनको कॉपी भेजनी पड़ेगी। और स्टेप 7 में बताया गया है कि जो AG ब्रांच है MP5 में, वो ऑफिसर के लिए है। ऑफिसर उसमें अपनी सारी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन JCOR को PCDA में ही अप्रोच करनी होगी।
इसके बाद आपको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस आपकी पॉलिसी 60 साल एक्स सर्विसमैन की पॉलिसी चालू रहती है 60 साल तक की एज के लिए, लेकिन जब अगर 60 साल से पहले डेथ हो गई है तो आपको एजीआई के लिए भी एक लेटर लिखना पड़ेगा कि अब उनकी जो एजीआई का या तो ड्रॉ कर दो, उनकी पेमेंट दे दो, नहीं तो उसको आगे चालू रखो, एक्सटेंड कर दो फैमिली पेंशन के लिए, फैमिली के लिए एक्सटेंड कर दो। आप उसको पैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे उसको बढ़ा सकते हैं, अपने उसमें कर सकते हैं, फैमिली अपने को एक्सटेंड कर सकती है। इसके बाद रिटर्न, आपको आइडेंटिटी कार्ड रिटर्न करना होगा एक्स सर्विसमैन का, जिला सैनिक बोर्ड में रिटर्न कर सकते हैं या स्टेशन हेडक्वार्टर में रिटर्न कर सकते हैं। दूसरा, आई कार्ड फैमिली के नाम से बनाने के लिए जिला सैनिक बोर्ड में अप्रोच कर सकते हैं, उनके लिए उनको नया आई कार्ड इशू हो जाएगा। स्टेप 10 में इंश्योरेंस पॉलिसी जितनी भी हैं उनको आपको सोल्जर के नाम, जितनी भी एक्स सर्विसमैन के नाम इंश्योरेंस पॉलिसी थी उनको आपको पे करने के लिए कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा, पूरा अमाउंट पे किया जाए उनका, तो इसके लिए भी अप्रोच करें। इसमें भी डेथ सर्टिफिकेट सब में लगेगी, इसीलिए मैंने बोला है कि 20 डेथ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 20 से 30। तो ये आपकी जितनी भी काम करेंगे सब में डेथ सर्टिफिकेट लगनी है। इसके बाद स्टेप 11 में है बैंक को, जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो बैलेंस आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लेने हैं, उसके लिए भी डेथ सर्टिफिकेट लगेगी। स्टेप 12 में आरटीओ में अगर कोई आपकी ऐसी कार है, टू व्हीलर है एक्स सर्विसमैन के नाम, उसको भी एनओके के नाम ट्रांसफर कराना होगा, ये भी जरूरी होता है। इसके बाद आर्म्स लाइसेंस है तो उसको भी अपने नाम ट्रांसफर करा लो, या उसको कैंसिल करके उसको पुलिस स्टेशन में जमा कर सकते हैं, ये दोनों काम कर सकते हैं, अपने नाम ट्रांसफर भी हो सकता है फैमिली के नाम, या तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर का अगर ऐसा कोई है तो इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर कराना है, टेलीफोन प्रोवाइडर का है उसको भी ट्रांसफर कराना होता है। AWPO से, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई मकान या प्लॉट लिया है उसको भी अपने नाम ट्रांसफर कराना होता है, और इसको भी अप्रोच कर सकते हैं एक डेथ सर्टिफिकेट दे के। इसके बाद बता दें कि क्रेडिट डेबिट कार्ड है उसको भी कैंसिल कराना, बंद कराना होगा। कितनी भी FD है, बैंक बैलेंस है, उसको भी अपने नाम ट्रांसफर करा सकते हैं। सभी चीजों में डेथ सर्टिफिकेट लगेगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर ऐसा कोई काम है वो भी करा सकते हैं। अभी फैमिली पेंशन चालू करने के लिए अप्लीकेशन फॉर्म कौन सा रहेगा, तो ड्राफ्ट लेटर फॉर फैमिली पेंशन, ये आपका अप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, और जो मैंने पीछे डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट सारे अब इसके साथ में अटैच करके PCDA को भेजना पड़ेगा। ऑफिसर है तो MP5 6 MP5 में आपको ब्रेवो में भेजना पड़ेगा, अगर JCOR है तो ये आपको PCDA में भेजना पड़ता है। तो आप JCOR है, जितनी भी ये डेथ सर्टिफिकेट है ये सारे अटैच करके आप PCDA में भेजेंगे तो आपकी फैमिली पेंशन चालू हो जाएगी, और दूसरे ही महीने आपकी फैमिली पेंशन शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये काम करने हैं, ये PCDA ने एडवाइजरी जारी की थी जिसके बाद कई एक्स सर्विसमैन की परेशानी खत्म हुई है और जानने भी लगे क्या क्या करना है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो भी शेयर करें जिससे कि लोगों को जागरूक हो और पता चल सके कि ऐसा भी होता है। थैंक यू। जय हिंद।